إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ شريك الله لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا ضد له ولا معارض له ولا مناقض له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ तमाम किस्म दी हम दोसना के बरियाई दे पाक मुतहर मुअल्ला कलमे अल्लाह मालिकुल अल्लाम वास्ते ने जो पूरी कायनात दा हाली को मालिक युदब्बिरुल अमर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़ालुल्ली मा युरीद
यफअलू मा यशा है। अरब अर्दो समा दी दात दात है जो पूरी कायनात दा दाता भी है, गौस भी है, अमीर नवाज, गरीब नवाज, रंज बख्श, गंज बख्श, औलाद बख्श, सारिया तारीफां अरश वाले मेरे रब नू सजदियां फबदियां ते उदी ही दात दे लाइक। अनगिन लातादात बेशुमार दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हबीबे किबरिया वालिये बतहा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात बाबरकत है। इंतहाई मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी मुकद्दस मुअल्ला आला ते अरफा किताब दा एक मुकाम में रब्बे अर्दो समा कलो दुआ है, अल्लाह मैं गुनाहगार नू दा मफहूम बयान करन दी तौफीक अदा फरमाए। रब्बे अर्दो समा सुनन सुनान तो बाद मेरे समेत जितने दोस्तों अहबाब मुहब्बत अकीदत मवद्दत चाहत प्यार उल्फत उनस दे नाल तशरीफ लैके आए हो, अल्लाह सब नू अमल दी तौफीक अता फरमा। रब्बे अर्ज़ो समाने अपने दीन दी आप हिफाजत दा जिम्मा लिया है और अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने इस दीन नू खालिस रखन लई अंबिया दा एक तवील सिलसिला जारी फरमाए और हर नबी ने इस दीन दे उत्ते बड़ी मेहनत फरमाई और इस हद तक कि कुरान आंदा है कि इस दीन दी हिफाजत और आबियारी दी खातिर रब्बे अर्ज़ो समा ने दसे अल्लाह दा सी इन्ना निज़ाम रखे कि मेरे नबियों ने वयक्तुलून नबीयीन बगैर हक, मेरे नबी शहीद हो गए पर इस दीन दी कंड नहीं लगन दी, इस दीन दा परचम सरबुलंद रखिए, इतना आला और अफजल दीन है, रब्बे अर्ज़ो समा ने इदी हिफाजत ली इतना अच्छा इंतजाम फरमाए। लेकिन सानू तो फ्री च मिले है ना, साड़ी तो कोई इतनी मेहनत शाका नहीं है, साड़ी तो किसी की कोई लत नहीं ना टूटी, ना किसी का बाजू फ्रैक्चर होए, ना कोई बंदा दीन वास्ते साढ़े चो शहीद होया, बहुत कम लोग ना, तो दुआ करो अल्लाह सानू इस दीन दे उत्ते कारबंद रहन दी तौफीक अता फरमाए। लेकिन असल मसला यह है कि इस दीन के अंदर और वो दीन जड़ा नबी पाक लैके आए ने, इस बात का ख्याल रखना कि तुसी या मैं कुछ लीगां नू चीज़ां नू दीन का नाम देंदे देंदे दुनिया तो चले जाइए तो जो कल अल्लाह के सामने खड़े होइए तो अल्लाह आखे भी ये तो वो दीन ही नहीं, तू की चुकी फिरना है कि रब्बे कायनात जानदे नू तैनू मैनू ये पूछण ये तो वो दीन ही नहीं, तू कि दीन चुकी फिरना है जिहड़ा मैं अपने महबूब दे के कर लिया सी, वो दीन चाहिए साडा दीन अपनी ख्वाहिश का दीन है। अल्लाह दा कि जिन्नी देर तक तुसी अपनी ख्वाहिशा नू कुचल के मेरे नबी दे ताबे नहीं कर देंदे ना तुसी दीनदार बन ही नहीं सकते, दीन वास्ते मियार इतना कड़ा है। देख सरकारे मदीना तो उच्ची कोई हस्ती, सरदारुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ते अल्लाह दा कि मैं दीन लई इतनी कड़ी शर्त रखी, कुरान कहंदा ना कि वलौ तकब्बल अलैना बाज़ल अक़वील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्म लक़तअना मिन्हु अल-वतीन। अल्लाह ने देखो कितनी सख्त बात की थी ना कुरान के अंदर, अल्लाह दा कि अगर मेरा महबूब पैगम्बर सरकार ने जो किया नहीं तो ना करना, लेकिन अल्लाह ने तेनू मैनू जोड़िया कि अगर मेरा महबूब पैगंबर भी दीन के अंदर अपनी तरफों कोई चीज़ कह दें दे, अल्लाह ने कि लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सज्जे हथों फड़ के असी अपने महबूब की भी शाह रग कट के रख दे। तुसी दसो कि जदों मेरे महबूब के बारे एक कड़ी शर्त कुरान के अंदर है, तेरी मेरी क्या औकात, मेरे जैसे मौलवी की क्या औकात, तो मैं कहां कि ये सही है ये गलत है,
एक कुरान की आयत है और वो पैगंबर जिन्हों अल्लाह ने महबूबे कायनात बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कुरान के अंदर, मेरा ख्याल अख खुल जानी चाहिए है ना कि दीन की हिफाजत लिए अल्लाह ने कितनिया कड़ी शर्त रखी। लेकिन इतने तो भाई जिस बात को मर्जी दीन बढ़ा दो और बहुत सारिया चीज़ा सवाब समझ के दीन ने, तो जे पूछो तो बात एक ही है काल वजदना अलैही आबाना, ये साढ़े प्यो दादे ही करते हैं भी कलमा नबी पाक का पढ़ दो, प्यो दादे का नाम क्यों लेंदे हो भाई, या प्यो दादे ते कोई शरीयत नाजिल हुई है या दीन नाजिल होया, चाहे मेरा बाप है चाहे तेरा बाप है। अल्लाह ने सुफियान सौरी रहमहुल्ला काल अबू सुफियान सौरी उन्होंने पता कि क्या है आंदने कि जरा दीन के अंदर कोई नवी चीज़ इंटर करे ना बिदत के तौर से आंदने अल बिदा अहब्बू अबलीस मिनल मासिया, जो कोई बंदा बिदत का इरतकाब करता ना तो अबलीस छाला मारदा बड़ा खुश होंदा क्योंकि उन्होंने अमल महबूब है, वो गुनाह करे तो इन्ना राजी नहीं होंदा जिन्ना बिदत ते राजी हो जाता है। आंदने क्यों आंदन इस वास्ते अल मासिया युताबू मिनहा वल बिदअतु ला युताबू मिनहा, आंदन जो बंदा कोई गुनाह करता तो गुनाह समझ के तौबा करता या अल्लाह माफ़ कर दे गलती हो गई है, तो जिन्होंने तुम खूबसूरत अमल पढ़ोगे तो उन्होंने तुम कदों तौबा करोगे, शैतान आंदा आ अमल ठीक इन्हें किया इनू कड़ा तौबा नसीब होनी क्योंकि तो नेकी बन गई ना। ये बात फतावा इबन तैमिया के अंदर कौल दर्ज है सुफियान सौरी का और फिर इमाम इबन तैमिया ने इस कौल की शरह फरमाई, वो आंदने को बंदा क्यों नहीं तौबा करता, आंदने इस वास्ते तौबा नहीं करता कि उन्होंने खूबसूरत अमल समझदा और उन्होंने नेकी समझदा उन्होंने दीन समझदा। ता अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते सी कि कुल्लू बिदअतिन ज़लाला, हर नवी चीज़ गुमराही है, अनराहन्नास हसना, सारी दुनिया नू नेकी बनावे, अगर सरकारे मदीना दी मोर नहीं लगती नेकी बनती नहीं है ना कौन बना सकते। और बात सुनना फिर ये जितने भी खुशनुमा अमल ने फार एग्जाम्पल बात हो सकती है ना कितनिया बात ने फार एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर फौतगी हो जाए ना तो बुढ़िया को रोने वाली कसर छड़ दिया ने और स्वभाव समझ के रो रहे होंगे वो बड़ा स्वभाव समझ के लोग वहन कर रहे होंगे और उतो जो दूजे ने वह भी स्वभाव समझ के चुप करा दे नहीं क्यों वेखो जी हूँ एडा वड्डा जवान मुंडा मरिया तो फिर वेखो नहीं तो इन्हों तक बन दे फिर रोना कदों मना है। लेकिन मेरे नबी की सरी नाफरमानी है जिन्हें तुम नेकी समझ के रोंद हो या स्वभाव समझ के रोंद हो, नबी पाक की बात नाफरमानी है, नबी पाक ने मना किया इस चीज़ को, फिर दसो ना कि ये दीन तुसी लैके जाओ तो अल्लाह आखे तो वह दीन ही नहीं जरा तू लैके आए तो मेरे तेरे की पल्ले है क्यामत वाले दिन अगर इस तरह की बात मेरे रब ने फरमा दी थी। अदरा गौर फरमाना इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह सल्लम ने दसया वे अल्लाह दे कुरान ने दसया वे, मैं अर्ज कर रहा वा मेरे वीरा ते दोस्ता आ जिंदगी दा पता नहीं कदों मुक जानी है, आ दुनिया दे मामलियां च बड़ी रिसर्च करना है, बड़ी गहराई तक जाना है, बड़ी तहकीक करना है, कोई स्टोर बनावे ते 70 मशवरे लेना है, कोई मकान बनावे ते 80 मशवरे लेना है, कोई फैक्ट्री बनावे ते हजारा मशवरे लेना है, बड़े बड़े इंजीनियर हायर कर लेना कि किते कुता ही ना रह जाए, कभी दीन वास्ते भी इन्नी मेहनत करया कर, इन्नी रिसर्च करया कर, इन्नी तत्तबो करया कर, इन्ना डीपली जाया कर, इन्ना गहराई से उतरया कर, आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह सल्लम ने दसे आवे, आ सरकारे मदीना ने दसे आवे, जदों तू जिन्ना चीज़ा नू तुसी दीन समझोगे बड़े नुकसान हो जाते ने। आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस के मुताबिक अगर कोई बंदा दीन च चीज़ इंटर कर देंदा है समझो ने नबी पाक ते झूठ बनया है, एक गल नबी पाक ने आखी नहीं ते नबी पाक दे खाते पा दिती जाए, इस तो वड्डा होर केड़ा किदब हो सकता है, झूठ दी आला किस्म केड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बात एक रवायत होंगी कि जिंद सनद होए फिर उसकी सनद जरा होए कि रावी कज़्ज़ाब है वज़्ज़ा है, या यह है कि रावी मजहूल है
को तो पता ही नहीं। एक तो ये हदीस की सनत जरा हो गई कि मजहूल है, फॉर एग्जाम्पल बात कर, एक हदीस होगा कि जिसकी सनत ही नहीं है, मतलब जिंदा अगर पीछे ही ना हो तो लोग सवाब समझ के उन्होंने अमल भी कर रहे हो। कई मस्जिदों से मैं दुकाना पर जाना लटकिया होंगे, हज़रत अली नबी पाने हाँ चार पाँच काम करके सोया कर, एक कुरान पढ़ के सोया कर, लड़िया से सुलह करा के सोया, ये रोज़ लोग अमल करते हैं भी कभी यदा हवाला भी तो चाहिए कि नहीं, यदि कोई दलील की जरूरत नहीं है या यदा रेफरेंस नहीं चाहिए तो मत लोग इन दीन समझ के सवाब समझ के रोज़ रात में अमल करके सो तो कल क्यामत अल्लाह के ये अमल तो चुक खाए तो मेरे नबी ने आखे ही नहीं चुके बारे तो फिर की बनेगा भाई। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस में किताबुल ईमान दी जिक्र कर रहा हूँ, सही मुस्लिम दी जिक्र कर रहा हूँ। वा अन अलीन قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار। ते दुनिया में चीज़ा सवाब समझ के दीन च इंटर हुंदिया ने ओ दलाल दी दुनिया च नबी पाक तक बासनद ना पहुंचन ते फिर वो किस तरह दीन हुंदा है, और बल्कि नबी पाक ते झूठ हुंदा है। सरकारे मदीना मेरे जड़ा बंदा मेरे ते झूठ बंदा है अपना ठिकाना जहन्नम बना लवे। बल्कि नबी पाक दी हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम वा अन अली गिन काल काल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली आने ने सरकारे मदीना ने फरमाया ये दीन दे अंदर नवी इंट्री करना कितना बड़ा पाप ते कितना बड़ा गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ते इंट्री वाला अमल होया, दूजा अमल नू इंटर करन वाला बंदा होया, यानी वो फाइल दे बारे नबी पाक ने की आखिया वे। नबी पाक आंदे लअनल्लाहु मन अवा मुहदिसन, नबी पाक आंदे जिहड़ा बंदा नवी इंट्री दीन च करदा है किसे चीज नू नेकी बनावे सवाब बनावे लोगों नू सवाब समझ के कर रहे होवन ते सरकारे मदीना देने वो अपना टिकाणा जहां नबी पाक ने फरमाया मन आवा मुहदिसन। अल्लाह दे नबी आंदे ने उस बंदे ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दी लानत वसदी रहिंदी। अच्छा कुछ लोग इस तरह दे ने कि दीन खालिस है दसो तो चंगे भले, जड़ा दो नंबर दीन खड़ा कि तो दिफा च खड़े हो जाते, वो कमलिया तो कलमा नबी पाक का पढ़िया नबी पाक अल वोट पान, गलत साइड से वोटर बड़े ने इधर कोई वोट पान नहीं जी यार। मैं कह देना मसलन तहकीक है, तहकीक की बात कर रहे हैं कि सूरत यासीन सारी दुनिया पढ़ दी भाई, रोज़ पढ़ो इतराज नहीं है, रोज़ पढ़ो कुरान की तलावत एक लफज की दस नेकियां मिल दिया ने। लेकिन कोई कवे जी यदि आ फजीलत आ फजीलत जरा तादील वाले मुहद्दिसीन दे हाँ इहदे बारे कोई भी हदीस सही नहीं है। अच्छा हुण मैं कह दिता ना कि इहदे बारे कोई भी हदीस सही नहीं, मौलवी आ कुरान पढ़ना भी कोई सवाब नहीं, तबसरा लोग फिर गलत कर दें। ओ भाई जदों मैं तैनू नबी पाक की बात दस रहा होवां तो तू नबी पाक अल वोट पाओ, गलत साइड से क्यों वोट पाते हो, गलत साइड की दिफा वास्ते क्यों खड़े हो जाते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल सूरत यासीन की बात की थी, कि फजीलत से कोई सही रवायत नहीं है, सत्तर बंदे गल्लां करनगे भी तुसी गल्लां करन दी बजाओ एक सही हदीस ले आओ ना, बात खत्म हो जाए। कोई लड़ाई है कोई झगड़ा है, सारे आपस से भरा बैठे ना, जाओ ना कितों सही हदीस ले आओ, तबसरा करन दी बजाय उन्हें लो मौलवी तो सूरत यासीन तो भी रोक दिता है। ओ भाई मैं कहना रोज़ पढ़ो रोज़ पढ़ो रोज़ पढ़ो सवाब है, लेकिन उन्हें कोई अजरों सवाब वास्ते कोई फजीलत जिक्र करेगा कि ये पढ़न दिया फजीलत, ऐसा नहीं है। कुरान की तलावत तो कौन रोकेगा भाई, लेकिन मैं अफसोस ही होंगे कि लोग जरा गलत कर देने बात गलत कर देने तबसरा गलत कर देने। और मैं तेनों कहना कि नबी दे दिफा च खड़ा हो, तू गलत चीज़ की दिफा करना है, तो असी तो अज तक एवें सुनते आए भी मैं गलत सुनया होएगा, मेरी बात भी तो कोई हरफ आखिर नहीं, हलती तो मैंने भी लग सकती। अदरा सुनना इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, सरकार मदीना ने दसिया वे, आमिना दे लाल ने दसिया वे, आपा पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों के अंदर दोहरा करैक्टर है, दोहरा। मैं एक दिन चला गया उखाड़े, एक बंदा ना जी मुछा मुनना ठीक है, मैंने उन्हें सवाल हजरत सी कोई आप मुठ दाड़ी का कैल सी, तो मैं क्या इदी की दलील है, आखे जी अब्दुल्ला बिन उमर तो बुखारी से आँदी। मैं कहूँ ना तो हज के मौके पर एक बार किया हफ्ते बाद ही शुरू हो जाते, मैं जो तुम अब्दुल्ला बिन उमर की बात से अमल करना उन्होंने तो हज के मौके पर किया, जो मैं तू हज से जावी तू भी कर लवी, तुम हफ्ते बाद ही कातरा फड़िया होंगे। तो मैं क्या ये बड़ी छेती तो दलील दी, जरा मैं किया भी अब्दुल्ला बिन उमर का अमल है, ये नहीं मानता तू, ये भी उन्होंने अमल है। उन्होंने किसी पूछा हजरत तुम क्यों किया, उन्होंने जी मैं नबी पाक में इवें देखिया। बाकी एक मसला है, दो मौकफ चले आ रहे हैं हमेशा तो, जो तो दो मौकफ दो तरफा दलैल, फिर एवं भी मुफ्ती बनने की कोई जरूरत है, उत्थे फतवा नहीं चाहिए। इस वास्ते दीन में समझो किसी गलत एंगल ना नहीं सही एंगल ना, ट्रैक पर आओ डी ट्रैक ना चलो। और ट्रैक कथों मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस तो, अदर गौर करना। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, आ सरकार मदीना ने दसिया वे, आमिना दे लाल ने दसिया वे, के मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़दहु मिनन्नार। तां ते सरकार आंदे ने कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदत गुमराही हुंदी है। ये ते नबी पाक दी दलील है, कुरान ने भी दसिया वे, कुरान आंदा फमाज़ा बादल हक इल्ला ज़लाल, कुरान आंदा के हक तो बाद दूजी चीज गुमराही हुंदी है, और जड़ा गुमराही ते खड़ा होवे गुमराही जिदी राई गुम हो जावे, जिन्हों अपनी मंजिल का पता ना होवे, जिन्हों मंजिल का ताजन ना होवे। आ इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस भी दस दी है, कुरान भी दस दे, बल्कि अल्लाह दे कुरान ने ते इत्थे तक आखिया है ऐसे लोगों के करीब ना जा, बल्कि अल्लाह दा के इहदिना सिरात المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ये तुम आते जो ना या अल्लाह सीधी राह उन्होंने जिन्हें वहां जिन्हों से तेरा गजब होया, और ना गुमराह आंदे हो कि नहीं, वाला जालीन का क्या तर्जमा है, आंदे या अल्लाह गुमराहां दी राह ते ना चला। कुरान कह रहे कि और फिर कुल्लु बिदअतिन ज़लाला फमा दबादल हक इल्ला ज़लाल वला ज़ालीन, और तुसी फिर गुमराही दी दिफा करो, क्यों दिफा कर दे भाई, नबी पाक दे वोटर बनो, सरकार दे गुलाम बनो, सरकार दी बात सुन के खड़े हो जाओ भाई, हदीस है नबी पाक दी, तू को साडे लई मतलब है कि आलिम हो अपनी जगह, मुहद्दस हो अपनी जगह, शेखुल हदीस हो भाई अपनी जगह, असी तुहाडा एहतराम कर सकने हैं, पर हरफ आखिर बात इमामे कायनात दी है भाई, आलम होने के नाते भाई तुहाडा अदब कर सकने हैं, एहतराम कर सकने हैं, इज्जत दे सकने हैं, तौकीर दे सकने हैं। हुण तेरे कोल इलम होवे तो तू आख नहीं इंज ही करो, इंज नहीं हो सकता भाई। इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, सरकार मदीना ने दसिया वे, अगर तेनों बात गुनाहगार की समझ आ रही होवे, तेरा माइंड एक्सेप्ट कर रहा होवे, अगर तू बिलीव की हद तक जा रहा होवे, तो जरा गौर करना। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी दस दी है, कुरान की आयत भी दस दी है,
के दीन दे अंदर इंट्री करन नाल बंदा गुमराही दी जगह ते आके खड़ा हो जांदा है। और इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर ते दसे आवे रब्बे कायनात ते कुरान ने ऐलान कीता है आ मेरा वीरा नबी पाक दियां हदीसां नूं ओढ़ना ते बिछाउणा बना लईए। सही दीन दी रिसर्च करके सही दीन क्या है अदरा गौर कर। अल्लाह फरमांदा कुन इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबुकुम अल्लाह वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमांदा महबूब जी इन्हां लोकां नूं ऐलान करो इन कुन तुम तो हिब्बू नल्ला अगर रब की मुहब्बत दे मुतला सी हो अल्लाह दा कुरब चाहते हो अल्लाह की नज़दीकी चाहते हो फत्ता भी ऊनी। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब दे कदमा ते कदम रखे आ जे अगर मेरे नबी पाक दे पिछे चलोगे ए राह तुहानू मेरे तक ले आएगी। तो जिस बंदे ने अपनी राह का तयन किया है वह तो नबी का उम्मत ही ना रह गया वह तो भाई इतिबा चो ही निकल गया उनका तो हरूज हो गया नबी की इतिबा के अंदरों वह तो नबी की इतिबा चो बाहर हो गया। क्यों अपनी मर्जी कर रहे नबी की मन ही नहीं रहा सरकार के पिछे चल ही नहीं रहा उनका तो सवाब अपनी मर्जी तो हो गया ना। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा बात है कि कुरान और हदीस वाजे वाजे है कुरान और हदीस अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ता कहना कि अल इस्नाद मिन अद्दीन जे सनद ना होंगी तो लोगों ने फिर की तमाशा बना देना दीन तो तमाशा हो गया ना कि हर बंदा आंदा जी सरकार ने फरमाया सरकार ने फरमाया। हुण कुछ लोग मेरे भाई मेरे दोस्त ये देन रखते ने लो मौलवी जी वेख कुरान पढ़ना तो ये तो ना आखो आड़ा काम कोई मतलब ये सुभान अल्लाह ही पढ़ना एक गुनाह तो थोड़ा भी गुनाह सवाब की तो बात ही नहीं कर रहे बात तो कर रहे सरकार मदीना का अमल क्या है नबी पाक की रहनुमाई क्या है। अच्छा ये सही बुखारी जी लिखे भी तीन बारी कुल वाला पढ़ो तो कुरान का सवाब मिलता है कि नहीं कुरान का सवाब मिलता है तीन बारी कुल हवला पढ़न नाल बुखारी च लिखिए तो तुसी रुकू च पढ़ दिया करो सुभान रब्बी अल अज़ीम की जगह तो तीन बारी कुल वाला इन्ना तो सवाब है पढ़िया करो ना इत्थे भी कुल वाला इन्ना सवाब है सुभान रब्बी अल अज़ीम का इन्ना सवाब कोई नहीं कुल वाला का बहुत आज तो तुसी सुभान रब्बी अल अज़ीम छड्डो तुसी कुल वाला पढ़िया करो तीन बारी सजदे जाओ तीन बारी कुल वाला सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहमदिक अल्लाहुम्मा अग़फिर ली छड्ड देईए आपां तीन बारी कुल वाला पढ़िए बहुता सवाब लईए। हर बंदा कह गया मौलवी जी वेखो जी नमाज खराब करूँ जे इवें तो नमाज ही नहीं होनी वेखो सरकार का आर्डर उत्थे सुभान रब्बी अल अज़ीम दा तो बई तो गल मैं कर रहा कि रौला तो सरकार के आर्डर का है असी सरकार के गुलाम हाँ दुनिया के किसी इंसान के गुलाम नहीं हाँ सरकार मदीना के गुलाम हाँ नबी पाक के चाहने वाले हाँ असी सरकार मदीना महबूबे कायनात मनने अपना महबूब तस्लीम करने असी आने के असी तो उन्हें तो बगैर किसी हरकत दे भी कायल नहीं हाँ कि अपनी मर्जी नाल कीती जा तो लोग अच्छा वि फॉर एग्जाम्पल बात है मुर्गी हलाल करो कुरबानी आएगी बकरे लाल करते बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर दूजी हदीस आया बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर इतना जहा कलमा है तो तुसी फिर उत्थे जिस जिहड़े लोग फदायल दे कायल ने ते आपां सूरत यासीन पढ़ के हलाल कर लईए सूरत वाकया पढ़ के हलाल कर लईए ये इंज करो भी किसी कारी नूं आखो भी तू सारी रात कुरान पढ़ना है सवेरे तेरा पूरा हो जाए ना सारे के बकरे तू छुरी फेरी तू कुरान पूरा पढ़िया तो कोई एक भी हलाल बकरा हो जाएगा क्योंकि उन्हें पूरा कुरान पढ़िया एक एक लफ्ज़ की दस दस नेकी है लेकिन उन्हें कुरान पढ़ने नाल बकरा तो सिवा नहीं हो रहा क्यों ये एंट्री अपनी तरफ है एंट्री अपनी तरफ है रौला इतना है ये एंट्री अपनी मर्जी की है और नबी पाक की एंट्री इन्नी कु है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बकरा ज़िबा है एंट्री पूरे कुरान नाल कीती नहीं है क्यों वो महबूबे कायनात दी स्टैंप नहीं है बात इतनी है
तो फिर दीन की तहकीक कीजिए भाई, जरा और फरमाना। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे, सरकारे मदीना ने दसे आवे, अपनी मर्जी नाल इंट्री करन वाला गुमराही ते बाई खड़ा हो जांदा है। अपनी मर्जी नाल इंट्री करन वाला मेरा भाई सरकार दी इतिबा तो बार हो जांदा है। और तीसरे नंबर ते अपनी मर्जी नाल इंट्री करन वाला ओ ते सरकार ते अल्लाह दे मुकाबले च आ जांदा है। तू आखेगा मौलवी जी दलील की है, मैं आखांगा अल्लाह दा कुरान है। अरबे कायनात ने कुरान च ऐलान किया, अल्लाह फरमांदा कि या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का साहिदं व मुबस्सिरं व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजं मुनीरा। अरबे कायनात दा कुरान दसदा है। इमाम इब्ने तैमिया ने इस आयत दे तहत भी बात कीती है कि दाइयन इलल्ला जड़ा सरकार दा सच्चा गुलाम है या मेरे महबूबे कायनात ने दाइयन इलल्ला उन्हां दी दावत अल्लाह दी तरफों है। क्योंकि नबी पाक ते दीन जबरीले अमीन लैके आए ने, जबरीले अमीन दी ड्यूटी अल्लाह ने लाई है, जो अल्लाह ने दसिया ओ दाइयन इलल्ला। ते जड़ा मेरा भाई अपनी मर्जी नाल इंट्री करदा है ओ दाइयन इलल्ला नहीं हुंदा, उंदी ते दावत को हो रही हो जांदी, वो अल्लाह वाली दावत ही नहीं। इहदा मतलब है कि वह शरीयत साज हो गया। जो को बंदा एक दावत के मुकाबले च नवी दावत खड़ी करेगा शरीयत साज हो गया। इतने इलेक्शन नहीं होंगे, जे को बिला मुकाबला वे खुश होंगे कि नहीं, तो जे को मुकाबले से आवे इंज वेंद है तू मेरे मुकाबले से है, वो तेनों मुकाबला ही गुवारा नहीं, मेरे मुकाबले से है कि तू कला लड़ सकना, दूजे की नक वगद जरा मर्जी खड़ा हो जाए, सारी दुनिया खड़ी हो जाए। एक दुनियावी निज़ाम की मैं मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। इत एक दुनियावी निज़ाम है, वह मेरे अल्लाह का निज़ाम है, और वो मुकाबले से खड़ा होना ही गलत है। और जो मुकाबले से कोई दावत खड़ी करता है उत्ते शरीयत साज हो गया, और जो शरीयत साज हो गया तो उत्ते अपने आप को फिर की कहेगा। उत्ते फिर वो बात हुई अद्दी बिन हातिम आए नबी पाक को, अगर गौर करना आखिरी बात हो। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जदों अद्दी बिन हातिम आए ने, ते सरकार मदीना ने कुरान दी आयत बतैरे दलील पढ़ी है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। नबी पाक ने अद्दी और तुसा ते अपने रहबा ते पीरां नू ते अपने जनाब आलमां नू रब मन्या सी, अगुआ दा ना ना सुनिया, लसना ना अबुदुहम असी कदी उन्हां दी इबादत नहीं कीती, कदी असी अपने रहब ते मौलवी नू सजदा नहीं कीता, कदी उहदे सामने कयाम दी हालत च खड़े नहीं होए, लसना ना अबुदुहम असी उन्हां दी पूजा नहीं कीती। ते सरकार आंदे ने अद्दी इन्नी गल ते दसना, जड़े तेरे हजरत ते राहब जिस चीज नू हलाल करते सन मनते सो के कोई ना आवा, इंज ते हो जांदा सी। अल्लाह दे नबी आंदे ने जड़े तेरे मौलवी जिस चीज नू हराम नू हलाल ते हलाल नू हराम करते सी, सरकार आंदे ने मनते सो के कोई ना आवा, अल्लाह दे नबी जी इंज ते हो जांदा सी। ते सरकार मदीना आंदे ने तेरे ते मेरे महबूब आंदे ने तिलका इबादतू हम, इयो ते उन्हां दी इबादत है, इयो ते उन्हां नूं रब मनना है। कोई उम्मती खड़ा हो जाए वो आखे भी यह भी दीन है, तो फिर रब नूं किवें मन्नीदा भाई? इत्थे लोकी अखवां दे नहीं पर काटा को नहीं पा, बस हुण आंदे नहीं। फिरौन ने तां आख दित्ता सी आना रब कुमला आला,
उन्हें सीधा ही आखी, उन्होंने तो रब ने भी पता लग गया भी चलो खड़का बजा के लगा कह इनू तो चलो आना रब्बुकुम अला इतिहास है खबीस है। उन्हें कह दिता बस इतने अखवान दे नहीं कई पोले पोले पैर इवें ही रखते नहीं पता नहीं कहड़ी शह होंगे। ओ भाई ये शरीयत साजी है, इतने अपने आप को रब की सीट ते ले जाना है ना, और ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह ये जिहड़ी गल सरकारे मदीना ने मेरे ते तेरे महबूब ने अद्धी नूं आखी ते अजकल इवें हुंदा हलाल होए जिहनूं असीं आख दईए हराम होए जिहनूं असीं आख दईए। तुसां आखणा मौलवी ने आख्या सी, चलो मौलवी ने आख्या किसी हदीस की भी कोई दलील लै लो रेफरेंस भी पुछो तहकीक भी करो जिवें दुनिया की कर दो। इमाम कायनात हबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे सरकारे मदीना ने दसिया वे मैं अर्द कीता कोई भी सरकार दा उम्मती दीन दे अंदर नवी इंट्री करे वो तो जनाब गुमराही ते खड़ा हो गया, नवी इंट्री करे सरकार दी इतिबा तो बाहर हो गया, नवी इंट्री करे शरीयत साध हो गया, और अगर नवी इंट्री करे अल्लाह दी लानत दा मुस्तहक हो गया। और इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम से आख्या वे वा अन आयशा ता कालत काल रसूलुल्लाह। इतने तो फिर यह भी हो जाता है जे आप सारे ठंडे दिल नाल सोचिए कि कोई जो अमल हदीस चो ना मिले तो कोई मेरे वर्गा उठ के आखे भी ये भी नेकी जे इहदा मतलब नऊज़ बिल्ला फिर ये तो असी सरकार दे इलम ते शक कीता है। लानत है ऐसी सोच ते जिहड़े मेरे नबी दे इलम नूं टच करे मेरे नबी दे इलम नाल टकरा जाए कैसा उम्मती है। मैं जखीरा हदीस टटोल माना और मैनू वो दलील ना मिले वो अमल ना मिले और वो कवे के भी नेकी है ये भी नेकी है तो फिर उन्हें तो भाई सरकार दे इलम ते शक कीता कि ये तो नबी पाक नूं तो इहदा पता नहीं लगा नऊज़ बिल्ला मैनू लगा। और बहुत बड़ी जरूरत है भाई ता मैं कह रहा जिंदगी थोड़ी है सही दीन लभो ये ना वे कल क्यामत नूं आखे अल्लाह चौके तो तेरा वो दे है ही नहीं मेरे नबी वाला कितने वहां टटोलो ना दुनिया बड़ी रिसर्च कर दे। वेखो तुसी देखो छोटी जी मिसाल 5000 का नोट है बंदे नूं फड़ा दियो अच्छा 5000 का नोट सारी दुनिया से चलता फिरदा वो कभी शीशे अगे करदा है कभी इंज इंज करके वेंदा है कभी उनकी तार वेंद है कभी उन्हें पिछले भी 5000 इन्नी रिसर्च हो रही कई ने मशीन रखी ने चेक करते हैं नकली तो नहीं वो नोट सिर्फ उनका तुम अगों पिछों इधरों उधरों चेक किया है दूजे वेखी सही है वादा नहीं सही है इन्नी रिसर्च की कि नकली तो नहीं दीन की भी रिसर्च करके तो नकली ना चुकी फिर रिसर्च करना वो जितनी को कर रहे हैं भाई। खैर हदीस है मशहूर दारमी दी मशहूर हदीस है अब्दुल्ला बिन मसूद अबू मूसा अशरी वो गए मस्जिद के अंदर इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना अबू मूसा अब्दुल्ला बिन मसूद दे को लाए ने आंदने अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसूद दी कुनियत है थी उन्हें कुनियत नाल खिताब कीता है आंदे हजरत जी जरा मसीते ते चलो उत्थे ते वखरा ही काम शुरू हो गया है असी ते सरकार दे जमाने चेंज दा अमल नहीं सी वेख्या जिहड़ा मसीते पिया हुंदा है। अब्दुल्ला बिन मसूद जल्दी नाल उठे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दे हुंदिया किहड़ा को नवा दीन खड़ा हो गया है। अगे मसीते पहुंचे तो काफ़ी लोग जमा हो गए ने एक बंदा उच्ची नाल आंदा कि वो 100 वारी सुबहान अल्लाह आखो सारे सुबहान अल्लाह उच्ची उच्ची पढ़ते हैं कभी अल्लाह अकबर कभी अलहमदुल्ला बज़ाहिर तस्बियां तो ठीक सन पर सारे कट्ठे होकर तस्बियां पै करते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद ने जो अमल वेख्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे बारे अबू मूसा असरी जैसे लोग आते सी कि जो तक अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा तुहाडे च आलम मौजूद है सानू मसला ना पूछया करो अब्दुल्ला बिन मसूद नू पूछया करो जदों दा इंज दा आलम मौजूद है सानू मसला ना पूछो। अब्दुल्ला बिन मसूद आने ने ओ अल्लाह दे बंदे हो ये की पै कर दे हो
ਇਹ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੀਨ ਖੜਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਅਮਲ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਬੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਬੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾ ਨਹੀਂ ਯਬ ਤਗੀ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਨ, ਆ ਦੀਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਅਕੂਲ ਕੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਲਿ ਵਲਕੁਮ ਅਸਲ